जी सही है सबको। जी हो रही है सर जी। जी जी ओके ठीक हो गया। बढ़िया बढ़िया, इसको करते हैं स्टार्ट। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बताएं कि बस सिर्फ ईद ही गुजारी है या कोई इधर काम भी किया है? अमेज़ॉन से रिलेटेड भी कोई काम किया है या बस ईद गुजारी है, मैं ये पूछ रहा सर किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब ईद ही गुजारी है। हूँ। सही हो गया जी। ओके हो मैं गया। थोड़ी बहुत स्टडी की है, जो नोट थे तो वो पढ़े हैं, और ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सर पढ़ लिया। सर ईद ही गुजरी है जी। ओके हो गया जी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज से करते हैं स्टार्ट, और फिर एक मरतबा स्पीड लगा के सारी चीज़ें कवर अप करते हैं, बाकी कुछ मसले मसाइल होंगे जो रह जाएंगी, फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। वीकेंड पे 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई ना कोई क्लास मीटिंग रख के एक दूसरे का नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ते हैं जनाब एडवर्टाइजमेंट, और इसमें जनाब दो किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक इंटरनल होती है और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में ये होता है कि आपको बड़े उल्टे सीधे पापड़ बेलने पड़ते हैं, पार्टियां तलाश करनी पड़ती हैं, ठीक है। और प्रॉक्सी हाफ पेमेंट पे प्रोडक्ट देते हो, और इस तरह कई सीन होते हैं, फिर वो रिव्यूज़ देते हैं, और इस तरह का सीन चलता है। और आप तो सबसे बेस्ट जो होती है हमारे हमारे लिए सबसे जो बेस्ट होती है वो इंटरनल एडवर्टाइजमेंट होती है। और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट में जो है PPC टॉप पे है, उसको हम देखते हैं। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही है कि एक आप समझ लें अमेज़ॉन एक प्लाजा है जनाब, बहुत बड़ा, ठीक है। उसके अंदर आपकी शॉप लगी हुई है, और उसी के अंदर ही अमेज़ॉन कहता है, अमेज़ॉन का अपना क्राइटेरिया आपको मार्केट करने का, वही जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि उसकी बाहर की जो मेन वॉल है या फेस है उस पर वो आपकी एडवर्टाइजिंग करता है, सही है। कोई LCD या स्क्रीन बड़ी चलाकर या जो कुछ भी है आप ऐसे एक कर लें, तो बाहर का बंदा जब आप एक एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग या प्रॉक्सी सेल जनरेट करके, तो उससे बेहतर होता है कि अंदर का बंदा आपको, मतलब जो ऑनर है प्लाजे का, उस बिल्डिंग का, वही आपकी मार्केटिंग कर रहा है, तो वो ज़्यादा अथेंटिक समझी जाएगी और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और उस पर आप मतलब उसको भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा आपको आपका साथ देगा, आपको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आगे। वो कहता है कि इंटरनल एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग अ जॉब इंटरनली ऑफन हैपेंस व्हेन एन एम्प्लॉयर वांट्स टू क्विकली एंड चीपली मूव स्टॉक बिटवीन एग्जिस्टिंग पोजिशंस, ठीक है। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट वो कहता है कि अंदरूनी तौर पर ही, मतलब उसमें चेंजेस करके, वो स्टाफ की बात यहाँ कर रहा है, तो हम कह लें कि इंटरनली वो आपको प्रमोट करता है, अंदर ही बैठकर चीज़ों को ऊपर नीचे करके मीन के आपकी प्रोडक्ट को ऊपर ले आता है, सही है। स्टाफ की जगह अगर हम वर्ड प्रोडक्ट रख लें तो हमारी ये इंटरनल एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी कि वो अंदर ही चीपली मूव द प्रोडक्ट बिटवीन एग्जिस्टिंग पोजिशन, मतलब कैसे मूव करता है, कैसे घुमाता है प्रोडक्ट्स को ऊपर नीचे, कैसे करता है, उसका एल्गोरिदम क्या है, वो इस बेस पे ऊपर नीचे करता है, मतलब आपकी रैंकिंग या आपकी प्रोडक्ट को पीछे से उठा के ऊपर ले आता है। जब आप उस पर बिडिंग करते हैं, हाई बिडिंग करते हैं, उसको पे करते हैं, उसको चार्जेस मतलब पे करते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट को उठाकर पीछे से ऊपर ले आता है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट फर्ज करें 50 पेज पे पड़ी है,
तो वो जितना पे करेंगे वो आपको उतना ही ऊपर ले आएगा। फर्स्ट पेज का पे करते हैं, फर्स्ट पे ले आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, फाइव, इस तरह फिफ्थ पे। जिस पेज का आप मतलब जिस लिहाज से आपकी बिडिंग होगी, ठीक है, जितने पैसे आप उस बोली में लिखेंगे वहां बिडिंग में, बिडिंग बॉक्स में, तो उतना ही वो आपको ऊपर ले आएगा। यहाँ तक डन हो गया? आगे है जनाब कि वो कहते हैं कि पीपीसी स्टैंड्स फॉर पेपर क्लिक, अ मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजर पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक। एसेंशली इट्स वे ऑफ बाइंग विजिटर्स के दौरान, एडवर्टाइजिंग के दौरान, इंटरनेट मार्केटिंग के दौरान, तो देन जो भी क्लिक पड़ता है उस क्लिक के आप चार्जेस पे करते हो, पैसे पे करते हो। सर जी, एक थोड़ी सी चीज पूछनी जी जनाब, जी। जो इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है जो एवन खुद करता है, और पीपीसी उसके अलावा कोई चीज है? पीपीसी भी वही चीज है जो नहीं, एमेजोन? वही चीज इंटरनल के अंदर आ रही है ना। जी ओके जैसे है ओके कि आप कह रहे हैं कि भाई फ्रंट सीट, ठीक है, तो फिर फ्रंट सीट भी गाड़ी के अंदर ही है और बैक सीट भी गाड़ी के अंदर ही है। बस ये है कि उधर जंप कम लगते हैं, उधर ज़्यादा लगते हैं। ठीक हो गया। तो ये जी ओके इंटरनल के अंदर, अब अच्छा गाड़ी के अंदर ही है। अब चलो एग्जांपल एक आ गई है, अच्छा हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप, ये बहुत बड़ी बात होती है जो बंदा छोटे क्वेश्चन करता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदे के पास लैपटॉप नहीं है लेकिन वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, इतना मतलब अच्छा उसका वो है, इरादे या नीयत अच्छी है कि वो जो आप काम सीख रहा है, बेशक पेज पे लिखी जा रहा है बातें लेकिन सीख रहा है, तभी मैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मुझे खुशी होती है छोटे क्वेश्चन हमारी क्लास में नहीं होते थे, तो छोटी छोटी बातें रह जाती थी अक्सर। अच्छा, इसमें इंटरनल एडवर्टाइजमेंट में बाकी भी चीज़ें कुछ होती हैं, उसमें जनाब वाउचर, ईटीसी, वो वही पीपीसी। आप ऐसे समझें कि आपकी गाड़ी की फ्रंट सीट है, बाकी अंदर की बैक सीट्स हैं। इंटरनल एडवर्टाइजिंग की इंटरनल मतलब गाड़ी के इंटरनल में जो बैक सीट्स हैं वो वाउचर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, यानी सब पे सबसे टॉप पे जो समझी जाती है और जो जा रही है या जो आपको ज़्यादा सेल्स देती है वो पीपीसी ही है। बाकी वो चीज़ें आगे वो उनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में। अच्छा जब सर, ये पे पर क्लिक जो है ये हमने पे करना था या अमेज़न हमें पे करना? यही तो बात है ना, ये तो ऐसे ही है कि आप कहें एक बंदे को कि आपने मेरे बैनर बना के जनाब लगाने हैं पूरे गढ़ मराजा में, ठीक है, और गढ़ मोड़ तक और चौक आजम तक लगाने हैं, और इधर से आपने मल्लू मोड़ तक
स्क्रीन गायब हो तो ठीक है ना, थैंक यू। कहते हैं कि यहाँ हम थे, we read that you activate your Amazon PPC as soon as you have new listing. इसके बाद जो वो कहते हैं कि to improve the effectiveness of your Amazon PPC, अपनी Amazon PPC कैंपेन को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए आप योर लिंक 3 to 5 रिव्यूज आल्सो, तो आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि आप जो लिंक है उसे 5 रिव्यू हासिल कर ले। तो ये एक बेसिक 5 रिव्यूज हासिल का एक तरीका होता है, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम होता है, उसको ERP कहते हैं। उसकी मतलब होती है कोई 60 pound या डॉलर कह लें फी हुई है अमेज़न, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कहता है कि पीपीसी चलाने के हमारे गोल क्या होते हैं। आवर गोल होते हैं टू गेट ग्रेटर नंबर ऑफ क्लिक्स एंड सेल्स, के ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स और फिरोख्त या सेल हासिल करने के लिए होते हैं। अच्छा, आवर आउटकम टू इम्प्रूव आवर ऑर्गेनिक रैंकिंग, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो ही हम ज़्यादा सेल्स हासिल करते जाते हैं, इंप्रेशन मिलते जाते हैं, प्लस क्लिक्स मिलते जाते हैं हमें, तो हमारी जो वर्थ होती है ऑर्गेनिकली वो भी बढ़ती चली जाती है मार्केट में, उस लिस्टिंग में। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है जनाब के वो कह रहा है कि आवर एक्शन मतलब इन अर्ली प्रोग्राम, जिस मतलब जो ही हमने न्यू लिस्टिंग लगाई उसमें हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए, हमें कैसे बिड करना चाहिए, हमें कैसे पीपीसी चलानी चाहिए। तो वो कह रहा है बिड एग्रेसिवली, मतलब अगर मैं पंजाबी उर्दू में कहूँ कि अंधाधुंध बिड करनी है, अंधाधुंध बोली लगानी है, ये नहीं देखना कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है, बेतहाशा पैसा खर्च करना है एडवर्टाइजिंग पे, मार्केटिंग पे। मतलब सबसे पहले जब आपकी न्यू लिस्टिंग होती है देन आप कंट्रोल करते चले जाते हैं अपनी उसको पीपीसी के एक्सपेंसेस को, और आपकी सेल्स बढ़ती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर आ जाते होते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज्ड इन पीपीसी, इम्प्रेशंस हैं, नंबर ऑफ टाइम समवन व्यूज योर एड्स, मतलब नज़ारा करना, जितने लोग नज़ारा करते हैं देखते हैं हमारे एड्स को वो इम्प्रेशंस कहलाते हैं, वो जो व्यूज़ होते हैं वो इम्प्रेशंस कहलाते हैं। क्लिक्स होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन क्लिक्स ऑन एन एड, ऑन आवर एड, यूअर एड, ETC। माइक म्यूट रखें, अगर कोई बात है तो पूछ लें वरना अभी म्यूट ही रखें। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ क्लिक्स होता है कि जितने हमारे ऐड पर जितने भी क्लिक पड़ते हैं, ठीक है, उसको क्लिक्स या क्लिक बोला जाता है। इसके बाद है CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये क्या होता है। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज एंड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ऐड क्लिक्स डिवाइडेड बाय ऐड इम्प्रेशंस। वो कहता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स को जब नंबर ऑफ इम्प्रेशंस पर तकसीम किया जाता है या नंबर ऑफ इम्प्रेशन से तकसीम किया जाता है क्लिक्स को, तो वो जो रेट निकलता है, जो फिगर निकलता है, वो क्लिक थ्रू रेट कहलाता है, CTR कहलाता है। इसके बाद है जनाब CPC, कॉस्ट पर क्लिक है। दिस इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द मनी स्पेंट ऑन एड्स बाय एड क्लिक्स, ठीक हो गया। ये कह रहा है कि स्पेंड एडवर्टाइजिंग अमाउंट, जितनी भी रकम हमारी स्पेंड हुई है उसको जब हम डिवाइड करते हैं क्लिक्स पर, क्लिक्स ऑन योर प्रोडक्ट एड्स, ठीक है, जितने क्लिक्स पड़े हमारे हमारी प्रोडक्ट के एड्स पर, उन पर उस रकम को जो टोटल अमाउंट हमारी खर्च हुई होती है जब तकसीम करते हैं, तो CPC हमारा निकलता है, कॉस्ट पर क्लिक निकलता है। जैसे कहते हैं हाँ जी पर हेड, मतलब कोई भी ऑर्डर देते हैं, हाँ जी इतने बंदे हैं हमारा प्रोग्राम आप लोगों ने करना है, वो कहते हैं ठीक है जी डिशेस कितनी इतनी जी, ठीक है जी पर हेड आपका लगेगा 700 लगेगा, 800 लगेगा, 1000 लगेगा, ETC। तो यहाँ भी वो बात कर रहा है, मतलब आपको क्लिक्स आपके फर्ज करें
100 क्लिक्स पड़े हैं आपके, ठीक है, आपका जो खर्च हुआ है वो $50 हुआ है, तो आपको पर क्लिक सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक आपका $0.5, आधा डॉलर हो गया, 50 सेंट हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद कहता है कीवर्ड, कीवर्ड आप बेहतर जानते हैं, द सर्च टर्म्स यू बिड ऑन इन ऑर्डर टू प्लेस योर एड्स इन एन एड चैनल। अच्छा, कीवर्ड्स होते हैं जो कीवर्ड्स या जिन अल्फाज पर हम बिड करते हैं पीपीसी के अंदर, कैंपेन के अंदर, अपनी कैंपेन एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने में, हाँ भाई कि इस वर्ड पर हम इतना बिड कर रहे हैं, तो वो जो वर्ड होता है वो कीवर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि सारी गेम ही कीवर्ड्स की होती है। और ये वर्ड्स चाबी की तरह करते हैं हमारी प्रोडक्ट के लिए, जो जो भी इस चाबी या इस कीवर्ड को लगाता है तो फौरन हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती है और आप उसके सामने शो होती है रिजल्ट्स में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ स्पेंड क्या होता है, द मनी स्पेंड ऑन ए कैंपेन, जितनी भी कैंपेन पर स्पेंड होती है, जितनी भी रकम स्पेंड होती है, खर्च होती है, उसको कॉस्ट भी कहते हैं, स्पेंड भी। सर जी एक चीज पूछूं सर जी, जी ने सीपीसी पढ़ा सही, का मतलब ये कि जो इंप्रेशंस होते हैं अमेज़न कोई चार्ज नहीं, सिर्फ क्लिक के वो, जी जी क्लिक्स की करता है, क्लिक्स की करता है, क्योंकि क्लिक्स करे ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें कि कपड़े की दुकान है, एक कस्टमर आया, उसने कहा ठीक है जी गर्मा का कौन सा वो लगा हुआ है मटेरियल जी, ये पड़े हैं कलर, वो कहता ठीक है जी इसमें फलां कलर निकालें, फलां निकालें, फलां निकालें, जो जो कलर जो जो थान वो निकलवाता है, खुलवाता है, तो वो जो उसका वर्कर होता है, ठीक है, दुकानदार, तो वो उन्हीं थानों को लपेटता है, सही है, और उन्हीं थानों को पैसे लेता है, उनकी जितनी भी 500-700 दिहाड़ी होती है उसने रखा होता है एक वर्कर। तो इसी तरह जिन एड्स पर क्लिक होता है, इस प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो नीचे से ऊंचे ऊपर उठा के जाता है अमेजोन, और क्लिक पड़ता है हमें, और वो प्रोडक्ट उसकी डिटेल अच्छा जी। इसके बाद वो कहते हैं कि टारगेट ऑडियंस होता
अच्छा जी, ये है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस इज अ रेशियो ऑफ टोटल एड स्पेंड टू टारगेटेड सेल्स. द फार्मूला टू कैलकुलेट इट इट इज एज फॉलोज. अ कॉस इज इक्वल टू एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड एड रेवेन्यू. ठीक है, जितना रेवेन्यू आया मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट अ कॉस इफ यू यूज सैग. सैग इज सेलर्स प्रॉफिट डैशबोर्ड एंड प्रोडक्ट डैशबोर्ड. ठीक हो गया, ये जब आप यूज़ करते हैं तो इसको इजीली आप निकाल सकते हैं. अच्छा जनाब, इसके बाद वो कहता है कि रॉस रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड. ये कहता है कि मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ योर डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स. इट इज़ अ बेंचमार्क मेजर्स टू हेल्प रिटेलर्स evaluate which ad methods are working and how they can improve future advertising effort. ठीक है, ये उसका होता है कि हमारी जो है एडवर्टाइजिंग जो स्पेंड्स हैं, जितना हम एडवर्टाइजिंग अखराजात कर रहे हैं उस पर हमें सेल्स रिटर्न्स क्या आ रही हैं, उस पर हमें सेल्स रिटर्न्स क्या आ रही हैं. अच्छा, इसमें जनाब ये होता है कि एक वर्ड है कन्वर्जन का वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसको भी हमने इंशाल्लाह ऐड करना है, कर देंगे. इसमें स्लाइड में ऐड कर देता हूँ, उस पर हम कन्वर्जन का वर्ड एक ऐड कर देंगे. कि कन्वर्जन ये होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं, जो क्लिक्स होते हैं, आपको इम्प्रेशन आया एक इस मतलब आपके प्रोडक्ट पर, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पर इम्प्रेशन आया, उस पर क्लिक्स हुआ, आपको क्लिक पड़ गया, देन वो परचेज कर ली आपके बायर ने, आपके शॉपर ने, आपके विजिटर ने, वो आपकी प्रोडक्ट जूँ ही परचेज की, बाय की, तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं कि सेल्स कन्वर्जन. यानी योर क्लिक जो था आपका, क्लिक इज़ कन्वर्टिंग, ठीक है, कन्वर्टेड टू योर सेल. यानी सेल कन्वर्जन, या उसको कहते हैं मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन कितनी हो रही है. जैसे ये कह रहा था कि रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, तो उसके लिए कन्वर्जन यूज किया जाता है. कन्वर्जन का आए या का, तो जो ही आए तो समझ के हम एक लिस्ट में ही है, तो उसका मतलब भी लिया जाता है कन्वर्ट का या सेल कन्वर्जन, एक ही चीज. के बाद वो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट टाइप्स, देयर आर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन पीपीसी. स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप स्पॉन्सर करते हैं, ब्रांड करा सकते हैं, उसको स्पॉन्सर्ड करवा सकते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट पूरे ब्रांड करा सकते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उसमें, उसमें आपका लोगो, उसमें आपका ब्रांड नेम, वो भी साथ में शो होगा, और उसकी भी मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी. तीसरी चीज है जनाब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड. ये जो एड्स होते हैं आउट ऑफ है, ठीक है, आउट प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल्स, ईटीसी, जहाँ पर भी आप करवाते हैं, वो आप अमेज़न से जब करवाते हैं तो अमेज़न की शेडिंग डाल देनी है, सब कुछ क्राइटेरिया वगैरह अमेज़न का. सी एडवर्टाइजमेंट टाइप, एड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स आउट ऑफ द अमेज़न होते हैं ये, और ये आपका जो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स आर टॉप ऑफ फनल ब्रांड्स अवेयरनेस टूल
एंड फंक्शन ऑन कीवर्ड्स कॉमनली यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट लाइंस आर बेस्ट सेलर, ठीक हो गया। और इसके बाद जनाब आपका आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। ब्रांड एड्स पीपीसी एज ए डिजाइन टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर ब्रांड अमंग कस्टमर्स शॉपिंग फॉर, वही बात है कि पूरे ब्रांड को जो है ना आपके कस्टमर या जो शॉपिंग करने वाले होते हैं, जो विजिटर होते हैं, उनके दौरान या उनके दरमियान या उनके सामने पेश करना और उसकी मार्केटिंग करना पूरे के पूरे ब्रांड की। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स आपके अमेजोन से हट कर बाहर की दुनिया, ये नीचे आप कह रहे हैं आखिरी उसमें रॉ में ना, परचेज जर्नी ऑन एंड ऑफ अमेजोन, ये ऑफ अमेजोन होता है, ये ज़्यादातर मतलब ऑफ अमेजोन काम करते हैं ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। अच्छा, इसके बाद जनाब आ रहा है हमारा नेक्स्ट, बिडिंग स्ट्रेटजीज आ रही है हमारे पास। बिडिंग स्ट्रेटजी मतलब आपकी जो बोली आप लगाते हैं वहां पर, ठीक है, जैसे किसी भी चीज किसी भी प्रोडक्ट की तो बोली चलती है जनाब। फर्ज करें कोई भी चीज है, जैसे आर्मी की जीप्स वगैरह होती हैं, उनकी अगर बोली स्टार्ट होती है 50,000 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, अगला बंदा 60 कहेगा, 80 कहेगा, लाख कहेगा, डेढ़ कहेगा, दो कहेगा, डेढ़ कहेगा, 160 कहेगा, 65 कहेगा, अगला बंदा 167 कहेगा, ठीक है, तीन चार बार फिर जो वो वहाँ बना होता है सदर सदर एक्शन, वो आवाज़ लगाता है, 167 से ऊपर कोई नहीं जाता तो 167 पर वो जिस बंदे ने बोली दी होती है वो आइटम उसकी हो जाती है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर जनाब, बिट का वर्ड यूज़ किया गया है बोली का, जितनी बोली कोई लगाएगा ज़्यादा ऊपर आएगा, बस सादा सी बात है। जैसे वहाँ जिसने ज़्यादा बोली लगाई वही जीपें ले गया, सारी ऑप्शन उसने जीत ली, सारी मतलब बोली लगा के उसने परचेजिंग कर ली। अच्छा, इस तरह यहाँ आकर हम देखते हैं कि डायनामिक बिड्स, अच्छा ये जो बिडिंग हो गई इसकी स्ट्रेटजीज पढ़नी है हमने। बोली तो हो गई, बोली की समझ आ गई कि क्या सीन होता है ऑक्शन में, तो यहाँ क्या सीन होता है, जितनी ज़्यादा बोली लगाएंगे, जितनी ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे उतना ही ऊपर जाएंगे। और इसके बाद हम इसकी स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं। स्ट्रेटजीज में ये होता है कि उसको मतलब डायनामिक बिड डाउन ओनली, असल वर्ड ये है यहाँ पर डायनामिक बिड्स, ठीक है, एक्टिव बिड हो गया इसका मतलब। और डाउन ओनली, डाउन ओनली का मतलब है कि हम उसको इजाज़त देते हैं अमेज़ॉन को, डाउन ओनली अख्तियार देते हैं। उस अख्तियार में उसके पास क्या होता है कि जितनी हमारी बोली लगी होती है, फ़र्ज करें हमारी बोली $1 लगी हुई है, तो वो उसको सिर्फ डाउन कर सकता है, उसको डाउन कर सकता है। और इसको हम आगे पढ़ते हैं कैसे करता है और क्यों करता है। अच्छा, डायनामिक बिड्स एक्टिव बिड इसका मतलब हो गया अप एंड डाउन, यानी यहाँ हम उसको अख्तियार देते हैं कि अप एंड डाउन वो कर सकता है। अच्छा, ऊपर वाली में वो लिखता है कि योर बिड्स विल बी डिक्रीज्ड व्हेन अमेज़न डिटरमिन्स योर बिड वुड नॉट लाइक विन द ऑक्शन, के वो कहता है कि आपकी अगर आप डायनामिक बिड्स डाउन ओनली चूज करते हैं, आपकी $1 बिड लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और वो आपको अमेज़न का एल्गोरिदम देखता है कि जितने जो कीवर्ड हिस्ट्री हमारी है और जो सर्च हिस्ट्री बायर की है, जिस बायर ने सर्च किया, तो वहाँ पर वो अगर समझता है कि हमें कन्वर्जन नहीं मिलेगी, मतलब हमें क्लिक मुफ्ते में पड़ जाएगा, और वो क्लिक तो पड़ेगा लेकिन हमें कन्वर्जन नहीं मिलेगी, मीन हमें हमारा वो क्लिक कन्वर्ट नहीं होगा सेल में, वो बायर खरीदेगा नहीं, उसका एल्गोरिदम उसको बता देता है अमेज़न को। तो अमेज़न का एल्गोरिदम क्या करता है, वहाँ जो $1 हमने बिड लगाई होती है वो उसको डाउन ओनली का हमने अख्तियार दिया हुआ है, डाउन ओनली का अख्तियार हमने जब उसको दिया हुआ है तो वो उसको डाउन कर देता है, ठीक हो गया। जूँ ही डाउन करता है हमारी बिड को तो वो वन बिड वाले एड वहाँ ओपन हो जाते हैं, शो हो जाती हैं प्रोडक्ट्स ऊपर उसकी उस बायर की सर्च क्यूरी में सामने शो होती हैं, और हमारी भी होनी थी, हमारी भी $1 थी बिड लेकिन नहीं हुई, क्योंकि हमने डाउन ओनली का अख्तियार दिया हुआ था अमेज़न को और अमेज़न हमें खर्चे से बचा रहा है। यहाँ उसने फ़ौरन ही खींच ली हमारी बोली को, मतलब ऑटोमेटिकली बिड को डाउन कर लिया, वो ले आया 50 या 60 सेंट पे, ठीक है, जो इसने डाउन किया $1 वाली सारी बाकी ऊपर चली गई, उनको शो करवाएगा उन प्रोडक्ट्स को
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को, जो उसको मतलब फील होगा कि इसको कन्वर्जन मिलेगी, इन क्लिक्स से उसको जनाब सेल मिलेगी। हमने डाउन ओनली किया हुआ, उसने नीचे किया, हमारी बिड नीचे आई तो $1 में शो नहीं हुई, तो ऐसे हमें खर्चा नहीं पड़ा और हमारा खर्च बच गया। इस तरह इस बात की समझ आ गई है, जरा बताएं। जी सर, जी सर, ओके। बताऊं सर? बताएं मतलब मुझे ये ओके करें, आई मीन टू से। जी 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 सर, ओके। डायनामिक बिड्स हो गया आगे, अप एंड डाउन। यहाँ हम उसको ऊपर और नीचे करने का अख्तियार दे रहे हैं, अप एंड डाउन। और अप एंड डाउन का जब हम उसको अख्तियार देते हैं अमेज़न को, तो वो 100% तक अप कर सकता है। डाउन तो वो अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन 100% तक अप कर सकता है। फर्ज करें हमारा हमारी बिडिंग थी $1 की, ठीक हो गया, और उसने क्या किया, $1 की हमारी बिडिंग है, और अमेज़न को लगा कि ये जो सर्च क्यूरी है एक बायर की, उसकी सर्च क्यूरी और ये हमारी जो है इसकी, फर्ज करें हमारे पास चार्जर है, तो हमारा जो चार्जर है इसकी जो सर्च टर्म्स हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं, ये मैच करते हैं और इसमें सेल्स कन्वर्जन के चांसेस हैं, तो वो हमारी बिडिंग को डबल करके ले जाएगा और सामने शो करवा देगा, ठीक हो गया। तो उसमें हमें हमारी जो वो होगी कन्वर्जन हमें मिल जाएगी, हमें सेल मिल जाएगी और उसकी जनाब मजदूरी बन जाएगी और चार्जेस उसके डबल हो जाएंगे, वो कमा लेगा। और हमने जहाँ मतलब $7 कमाना था, मतलब 7 कमाना था, तो हमारा $1 और इजाफी पड़ गया, तो हमें वहाँ $6 बचत हो गई है जनाब। तो ये सीन होता है इसमें, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, यानी अप एंड डाउन करने का अख्तियार जब देते हैं। डाउन में वही सीन होता है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, यहाँ भी डाउन क्यों करता है। जी सर जी, जो अप एंड डाउन जिसको अभी हमने पढ़ा है, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है उसको बिडिंग करने में, ताकि सेल्स भी साथ साथ चलती रहें? जी बेहतर है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाता है। अभी आप आगे जाएंगे ना, हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि क्या सीन होता है, पहले हम कैसे जाते हैं और किधर जाते हैं और कैसे करते हैं। अच्छा, फिक्स्ड बिड होता है, इसके बाद होता है कि हेयर योर बिड रिमेन्स स्टैटिक, ठीक है, साकिन रहती है, वही बिड रहती है जो आपने दी होती है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, विदाउट चेंजिंग, बगैर किसी चेंज के, मतलब वो फिक्स रहती है आपकी बिड। और उसी बिडिंग पर जब प्रोडक्ट्स शो होती हैं, ठीक है, किसी भी बायर की सर्च क्यूरी में, तो ये आपकी, तब ही आपकी प्रोडक्ट भी शो होगी, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाते होते ज़्यादा, इसको तब लगाते हैं जब एक आपका सेलर जो है बहुत ऊपर चला जाता है और ऑर्गेनिकली ऊपर चला जाता है, तब वो कर लेते हैं कोई ना कोई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जनाब टाइप्स ऑफ कैंपेन्स इन पीपीसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंपेन्स इन पीपीसी, ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, एक मैनुअल टारगेटिंग है। और इसके बाद जनाब हमने बेसिक्स इसके पढ़ लिए, इसके बाद हम आते हैं पीपीसी कैंप। इसमें है जनाब कि ये जो अलग अलग लगी हुई हैं, ये जो सर्कल लगे हुए हैं ना, हमेशा जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है उसमें जो स्पॉन्सर्ड कवर्ड शो होता है, वो आपकी पिक्चर के नीचे और टाइटल के ऊपर, टाइटल और पिक्चर के मिड में शो होता है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड मीन कफील या कफालत करने वाला। और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कि ये जितने भी अभी लगी हुई हैं प्रोडक्ट्स हैं, ये अलग अलग स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है, तो इनके नीचे ये स्पॉन्सर्ड कवर लिखा हुआ है जहाँ सर्कल लगा हुआ है। ये बात डन हो गई है, ये एरो के अंदर जो सर्कल हैं, यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। हर चीज़ को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि अच्छी तरह समझ आए। जी जी सर, जी। और ये जो PPT बनी पड़ी है, ये 5 दिन 10 घंटे बैठ के बनाई है, ये भी आपको बताना चाहिए।
चलो अभी तो मैंने देख लिया था, और जो ही स्क्रीन गायब हो तो फौरन बताया करें, ये ना हो कि फिर, क्योंकि ये इशू आ रहा है आज। अच्छा जी, हम पहुंच गए एडवर्टाइजिंग में। ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग का टैब है। जब भी हमने कोई कैंपेन लॉन्च करनी है, PPC चलानी है, ETC, तो हमने यहाँ जाना है एडवर्टाइजमेंट में, और इसके बाद जनाब हम क्लिक करेंगे एडवर्टाइजिंग टैब पर। एडवर्टाइजिंग टैब का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसमें है जनाब ये एरो लगा हुआ है, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कैंपेन मैनेजर। तो ये ऊपर कैंपेन मैनेजर की ऑप्शन आएगी, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देन क्या होगा जनाब, देन ये इंटरफेस आएगा, और ये जनाब ऐसे होगा, ये आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपने किया एडवर्टाइजिंग, इसके बाद जनाब आपके पास कैंपेन मैनेजर जो आपने क्लिक किया तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ आपने क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन है नीचे येलो वाली, जो लेफ्ट अंडर कॉर्नर पे येलो वाली क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे जनाब। इसके बाद वो आपसे पूछेगा चूज़ योर कैंपेन टाइप, आपकी कैंपेन किस टाइप की है। इसमें आपने जाना है ये है कि अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हम वहाँ पहले पढ़ के आए हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होता है, इसमें एक प्रोडक्ट आपकी होती है, हर प्रोडक्ट की अलग स्पॉन्सरशिप होती है, अलग एडवर्टाइजमेंट होती है, अलग कफालत होती है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में पूरा ब्रांड आपका जो है उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। ये जो होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड विद ब्रांड रजिस्ट्री होते हैं। अच्छा, इस बात को भी समझना है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ओनली जो है वो विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री है, और इसको ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, और ये जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं ये विद ब्रांड रजिस्ट्री। अच्छा जनाब, ये चीज़ है, इसमें हमारे पास है, हमने वो पढ़ लिया, डिस्प्ले एड्स जो होते हैं वो बाहर की दुनिया में चलते हैं, अमेज़ॉन से बाहर, और अब हमारे पास आ गया है यहाँ एग्जांपल ऑफ स्पॉन्सर्ड ब्रांड। हम पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स देख के आए हैं, जहाँ वो सर्कल लगे हुए थे, हर प्रोडक्ट के नीचे अलग से स्पॉन्सर्ड का वर्ड लिखा हुआ था। और ये जनाब स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स जब होता है तो इसमें आपका जो ब्रांड नेम होता है या लोगो होता है, ये अब ऑक्सो जो है ब्रांड है एक, और इस ब्रांड का ये लोगो भी है और ये उसका ब्रांड नेम भी है। तो ये सबसे पहले जो है अपने ब्रांड नेम की या लोगो की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कि ताकि उनकी वर्थ होती है ऐसे ब्रांड्स जो होते हैं।
वो कहते हैं कि चलो इन फ्यूचर जहाँ भी हमारा नाम ओग्जो नज़र आए, हमारा लोगो नज़र आए, हमारा जनाब ब्रांड नेम नज़र आए, तो अगला बायर जो होगा हमारा वो कहेगा ठीक है जनाब, ये ओग्जो की मैंने फलां एक साल पहले फलां चीज़ फलां प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी, खरीदी थी, अच्छी थी, बस खरीद लो जी, डन हो गया, ओके जी, क्लिक किया, परचेज़ की और गया। तो ब्रांड रजिस्टर स्पॉन्सर्ड करवाने का ये फ़ायदा होता है। और इसमें ये चीज़ है कि जनाब ब्रांड में आपके पास तीन चार प्रोडक्ट्स या दो तीन जितनी भी होती हैं लगी होती हैं, जैसे यहाँ इसमें दो तीन प्रोडक्ट्स हैं और एक लोगो आपका लगा हुआ है, और ये यहाँ बता रहा है कि वर्ड स्पॉन्सर्ड, ये राइट साइड पे जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ कि द वर्ड स्पॉन्सर्ड इज़ ओनली हेयर, और जब ब्रांड आप स्पॉन्सर्ड करवाते हैं तो सिर्फ एक ही जगह पर राइट कॉर्नर पे, ठीक है, या लेफ्ट पे कहीं एक ही जगह पर स्पॉन्सर्ड का वर्ड लिखा हुआ नज़र आता है, हर प्रोडक्ट के साथ अलग नज़र नहीं आता, क्योंकि ये पूरा ब्रांड स्पॉन्सर्ड है। इन स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स यू कैन शो योर ऑल प्रोडक्ट्स एंड योर ब्रांड लोगो आल्सो। डन हो गई ये बात, आगे चलें। जी सर, जी सर, अच्छा जी, आगे हम आ रहे हैं जनाब, चूज योर कैंपेन टाइप, तो हम कर रहे हैं कंटिन्यू, क्लिक कर रहे हैं हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का सबसे पहले। वो हमने कंटिन्यू क्लिक किया जनाब, आगे हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है उसमें सबसे ऊपर वो कहता है कैंपेन नेम का बॉक्स है कि कैंपेन को आप नेम क्या देना चाहते हैं। जैसे होता है अगर आप इसकी यूएसए की उधर की बात करें तो आप कह सकते हैं दिसंबर आपका, तो आप क्रिसमस ऑफर, क्रिसमस डील, क्रिसमस कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अगर यहाँ की बात हो पाकिस्तान की, तो आप लिख सकते हैं कि बड़ी ईद पर बड़ी ऑफ़र, या बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, या बड़ा गिफ्ट, या कुछ भी, मतलब जो आपने कैंपेन नेम देना है जो आपकी मौका की मुनासिबत को सूट करे, या जिससे सेल कन्वर्जन ज़्यादा हो, या जिससे अट्रैक्शन बढ़े आपके बायर में कि वो अट्रैक्ट हो और आपकी कैंपेन नेम को देख के जनाब। अच्छा, इसमें जनाब आपका कैंपेन नेम आ गया, अपना आपने अपना कैंपेन नेम देना है, और उसके बाद नीचे आपका कॉल वो आएगा बॉक्स है डेट का, आपने डेट देनी है स्टार्ट डेट, एंड डेट हम नहीं दिया करते, ठीक है, और जब भी चाहें आके वापस हम कैंपेन को बंद कर देते हैं, लेकिन एंड डेट अक्सर नहीं दी जाती। और डेली बजट जो होता है आपने डेली बजट रखना है, ठीक है। क्लिक्स का रेट तो आप बिडिंग में देंगे कि पर क्लिक मुझे ये पड़े, मतलब आप 0.5 $1 की बात कर लेते हैं, आपने $1 दे दिया, लेकिन आप साथ में डेली बजट भी देंगे। ये नहीं है कि आपको $1 आपने रेट बिडिंग रख ली, हाई बिडिंग रख ली $1 की, लेकिन आप जनाब आपको डेली के 100 क्लिक पड़ जाएं, 100 क्लिक पड़े, तो $100 आपका एक्सपेंस हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा। इसी तरह आप डेली बजट अपना रखेंगे, फर्ज करें आप $20 रखते हैं कि ठीक है मेरी प्रोडक्ट भी ऊपर जाएगी, स्पॉन्सर्ड भी हो जाएगी, और लेकिन मेरा जो बजट होगा, चलो $20 रख देता हूँ, अगर इतने क्लिक्स पड़ गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन ये कि प्रोडक्ट तो ऊपर रहेगी ना, सेल कन्वर्जन जब वो तो बाद की बातें हैं। डेली बजट रख दिया आप लोगों ने, फिर नीचे आप आ गए टारगेटिंग में, ऑटो टारगेटिंग होती है ये फर्स्ट में, नीचे दूसरे नंबर पे जो है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ, ये टारगेटिंग वाला एरो, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को नज़र आए। जी सर, हाँ, ये टारगेटिंग है, ये ऑटो टारगेटिंग है जिस पर ऊपर क्लिक किया गया वन नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे जो है मैनुअल टारगेटिंग है, तो हमने ऑटो टारगेटिंग, यहाँ ऑटो कैंपेन हम पढ़ रहे हैं, ऑटो टारगेटिंग पर हमने क्लिक कर दिया, और इसके बाद जनाब हमारे पास ये इंटरफेस आता है कि आप बिडिंग स्ट्रेटजी अपनी क्लिक करें, सिलेक्ट करें। अच्छा, ये आप करेंगे जनाब, स्ट्रेटजी इज़ बेटर फॉर रेलिवेंसी
एंड टू इम्प्रूव कन्वर्जन एंड सेव बजट. वो कहता है, बल्कि मैं कहता हूँ, मैंने लिखी है ये बात, वहाँ नहीं है बॉक्स में, इसमें मतलब इस पेज पे या कैंपेन में, कि स्ट्रेटजी, बिडिंग स्ट्रेटजी हम क्यों सिलेक्ट करते हैं. कहता है कि स्ट्रेटजी इज़ बेटर, बेहतर होती है फॉर रेलिवेंसी, कि आप का शो, आपका जो एड होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा, वो उसी मतलब कीवर्ड सर्च क्यूरी में शो होगा जहाँ उसकी रेलिवेंसी लगेगी अमेज़न को, तो वो शो करवाएगा. इसलिए हम इसको अख्तियार देते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं. एंड टू इम्प्रूव कन्वर्जन, और कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए भी ये बिडिंग स्ट्रेटजी एक अच्छी चीज़ है. और फिर एंड सेव बजट, और इससे आपका बजट भी सेव रहता है. ठीक हो गई ये बात, समझ आ गई इसकी. अच्छा जी, इसमें हमने डायनामिक बिड्स ओनली पढ़ा, डाउन ओनली पढ़ा, कि हम उसको सिर्फ डाउन कर, अपनी बिडिंग डाउन करने का अख्तियार देते हैं, कि जहां हमारी कन्वर्जन उसको लग रहा होता है कि इसकी रेलिवेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, कन्वर्जन नहीं मिलने वाली, तो वो डाउन कर देता है हमारी बिडिंग को, और उसमें उस सर्च क्यूरी में हम वो जो होती है हमारी प्रोडक्ट शो नहीं होती, और हमारे क्लिक, हमें क्लिक नहीं पड़ता और स्पेंड नहीं होता, कॉस्ट नहीं पड़ती हमें. अच्छा, अप एंड डाउन में, अप एंड डाउन में हम अप्स एंड डाउन पर क्लिक करते हैं, तो उसको अख्तियार देते हैं, वो 100% तक अप भी कर सकता है, उसको डाउन भी लेके जा सकता है. जहाँ इररेलीवेंसी वो डाउन कर देगा, जहाँ रेलिवेंसी उसको लगती है, कन्वर्जन लगती है कि मिलेगी हमें हमारी प्रोडक्ट पर, क्योंकि सर्च क्यूरी जो है हमारे बायर की जो सर्च कर रहा है, और हमारी कीवर्ड जो है या हिस्ट्री है वो बताती है कि इनका जोड़ तोड़ है आपस में, तो वो उसको शो करवा देता है और अपनी वो बिडिंग डबल कर देता है. अच्छा, इसके बाद फिक्स्ड है, वो हम जो देते हैं वही फिक्स रहती है, ना उसमें डाउन होती है ना ज़्यादा होती है, हमारी जो बिडिंग चार्जेस होते हैं. अच्छा जी, इसमें नीचे है ऐड ग्रुप नेम, आप दें, सही है. यहाँ पर हमने ग्रुप का नाम देना है, अपनी प्रोडक्ट का जो भी मतलब देना चाहेंगे. उसमें आगे है जनाब ऐड प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है. सर्च करेंगे यहाँ, उसमें लिखेंगे ऐसे, यहाँ सर्च, ये नेक्स्ट हमारे पास पेज आ गया है, श्योर है ना, 10 ठीक हो गया. अच्छा, ये सर्च करेंगे, नीचे SN और SKU देंगे हम, जो मैंने ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है सबको? जी आ रहा है सर. जी सर, जी सर, जी. यहाँ SN और SKU देंगे हम और सर्च करेंगे, अगर हमने कोई एक आध अपनी प्रोडक्ट डालनी है, अदरवाइज हम इंटर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ से भी हम अपनी लिस्ट जो हमने बना के रखी होगी प्रोडक्ट्स की, वो दे देंगे. ठीक हो गया. यहाँ ऐड बटन ये ऊपर आ रहा है नज़र, अगर हमने सर्च में अपना SN SKU दिया और हमारी सर्च बटन पर क्लिक किया या इंटर प्रेस किया, तो हमारी प्रोडक्ट नीचे ये जैसे शो हो रही है, ये शो हो जाएगी. और यहाँ ये एडेड बटन इज़ हेयर, यहाँ ये एरो जहाँ पे शो करवा रहा है, ये ऐड बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे वो कहता है कि यूअर प्रोडक्ट इज़ एडेड हेयर, जो एरो ऊपर से नीचे आ रहा है वो बता रहा है, तो आपकी इस बॉक्स में, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी. ये पहले यहाँ ऐड नहीं थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, हमने SN दिया या SKU दिया और सर्च मारी, सर्च करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट आ गई, हमने एडेड बटन क्लिक किया, तो वो कहता है कि योर प्रोडक्ट इज़ एडेड, तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ ऐड हो गई. तो हम अगर यहाँ लॉन्च कैंपेन करेंगे तो वो हमारी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी. अच्छा, इसके बाद जनाब वो कहता है कि इसमें, हाँ जी, ये चीज़ है इंटर लिस्ट, SN, इंटर एसेंस ऑफ योर प्रोडक्ट्स. इंटर लिस्ट में हम क्लिक करेंगे ऊपर उसके बटन पर, तो नीचे उसका बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें हम एसेंस डालेंगे और एसेंस डालने के बाद ऐड करेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी भी होंगी. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारे पास वो मांगेगा सेट डिफ़ॉल्ट बिड, वो 0.75 कह रहा है, और फिर साथ में कह रहा है कि इसकी ये सजेस्टेड बिड है जनाब,
0.7 और इसकी रेंज बता रहा है कि 0.5 से 0.5 डॉलर से लेकर 1.2 डॉलर तक है। इस पर तो आप जो है ना, मतलब इस टाइप की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो बिडिंग है यहाँ से यहाँ तक है। आप चाहे तो 1.2 डॉलर भी दे सकते हैं, मतलब हाई से हाई ये है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जी हमारी ऊपर आनी चाहिए तो आप 1.2 दे सकते हैं, 1.3 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर आप 1.20 है ये, अगर आप 1.22 या 21 रख देते हैं या 1.25 रख देते हैं, इससे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये नहीं है कि आपको जब क्लिक पड़ेगा तो वो जो है 1.25 या 1.3 आप रखते हैं तो फर्ज करें आपने 1.3 रख दिया, 1.2 है यहाँ पे, वो बता रहा है कि इसकी रेंज मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है, तो आपने 1.3 डॉलर रख दिया। लेकिन ये नहीं है कि अमेज़ॉन जब क्लिक पड़ेगा तो 1.3 ही आपको चार्ज करेगा, वो ऐसा नहीं होगा। वो जितनी हाई यहाँ बिडिंग है 1.2 है तो इससे थोड़ी ऊपर आपको चार्ज करेगा, 1.22 कर सकता है, 1.23 कर सकता है, 1.25 कर सकता है, 7 कर सकता है, वो उसकी अपना एल्गोरिदम है, अपना सिस्टम है। अच्छा एक चीज़ है मार्केट रेट, ठीक है। मार्केट रेट दो चार चीज़ें, एक सेल कन्वर्जन और मार्केट रेट, ये मुझे याद कराइएगा, मैं ये ऐड करूँगा इसमें ना, जो मैंने वो ऐड किया था ना ऊपर स्लाइड, न्यू स्लाइड, उसमें मार्केट रेट होता है कि जब वहाँ पर नाइट होती है, जैसे यूएसए की अगर हम बात करें तो जब यूएसए में नाइट होती है, रात होती है, तो जो मार्केट रेट होता है वो डाउन हो जाता है। व्हाट इज़ मार्केट रेट? मार्केट रेट ये है, वो रेट होता है जो कि आपसे अमेज़ॉन चार्ज कर रहा होता है बिडिंग की सूरत में, ठीक है। बिडिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, जैसे आप कह लें कि कराची से मानसेरा, बटरासी, अहमदाबाद की जो गाड़ियां आती हैं, आम हालत में अगर उनका फेयर जो है 3500 है या 3000 है, तो जो ही ईद का सीज़न आता है तो वो जनाब आपकी 6000, 7000, 5500, ठीक है, 5000 से नीचे तो मुश्किल ही है, टिकट नहीं मिलता कोई भी ईद होती है उस पर। तो इसी तरह जब मार्केट में रश होता है कस्टमर का, क्लाइंट का, बायर का, जैसे वहाँ बस सर्विसेज करती हैं, तो यहाँ अमेज़ॉन भी वही काम करता है। दिन में उसका मार्केट रेट बढ़ जाता है और रात को उसका मार्केट रेट जो है वो डाउन होता है, वो कम चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट में रश नहीं होता तो वो ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता, खैर ख्याल रखता है बहुत ज़्यादा, ये मैंने देखा है। अच्छा इसके बाद जनाब आपकी सेट डिफ़ॉल्ट बिड, जो भी बिडिंग आप देंगे यहाँ आपने, अच्छा होता नॉर्मली ये है कि जो उसकी सजेस्टेड बिड होगी ना, जैसे यहाँ वो दे रहा है 0.7 सजेस्टेड बिड और उसकी रेंज बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पर आप जो ओवरऑल रेंज चल रही है अमेज़ॉन पर बिडिंग की 0.5 से लेकर 1.2 डॉलर्स तक की चल रही है, लेकिन वो सजेस्ट कर रहा है कि 0.7 रखें। तो आम तौर पर अमूमन ये होता है कि 5 से 10% उसकी सजेस्टेड बिड से हाई रखी जाती है इन स्टार्टिंग, ठीक है, बाद में फिर हर चीज़ का पता चल जाता है कि क्या सीन होता है। अच्छा ये है जनाब इसमें नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ये सेट डिफ़ॉल्ट बिड जो लिखा हुआ है ये 12 नंबर पेज के नीचे, इसके नीचे एक ब्लैंक एरो खड़ा है, इसके सामने लिखा हुआ है जनाब नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, हम इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है। अच्छा लॉन्च कैंपेन, ये आपने बिडिंग रख दी, आपने लॉन्च कैंपेन कर दी तो ये लॉन्च हो जाएगी, ये लॉन्च हो जाएगी और इसमें कुछ होता है मैच होते हैं वो आपको आगे मैं पढ़ाता हूँ, उसकी स्लाइड भी मैंने ऐड की तो थी, उसको भी पढ़ेंगे और इसमें जनाब नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा लॉन्च कैंपेन आपने कर दी, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी और नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, अच्छा ये मैचेस हैं और यहाँ आपके, ठीक है ये भी मैचेस हैं। अच्छा ये आपको मैं बता देता हूँ कि नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है।
आपकी जब आप कैंपेन चलाते हैं, इसका तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले आप ऑटोमेटिक चलाते हैं। आप अगर नए हैं तो आप ऑटोमेटिक चलाते हैं, आपकी न्यू लिस्टिंग है। ऑटोमेटिक में ये होता है कि आपको कीवर्ड्स देने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन या अमेज़ॉन का एल्गोरिदम जो है वो देखता है कि कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, बेहतर हैं, किन पर कैंपेन चलानी चाहिए, बिड करनी चाहिए। बिड आपकी यहाँ से लगाते हैं और वो जो वर्ड्स होते हैं वो उसने खुद ही निकालने होते हैं आपकी लिस्टिंग में से, अमेज़ॉन ने वो निकल आते हैं जनाब। उसके बाद आप देखते हैं, आपने रोज़ाना चेक करनी होती है फिर ये जो कैंपेन होती है आपकी कि क्या बन रहा है, क्या जुड़ रहा है। अच्छा, आपने देखा कि जनाब दो वर्ड्स हैं वो बड़ा ख़राब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और उनको हमने निकालना है। तो ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग यही होती है। कीवर्ड टारगेटिंग मतलब कीवर्ड्स को टारगेट करना, उनको एंटर करना। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कीवर्ड को टारगेट करना, बट किस मद में, उनको निकालना अपनी लिस्टिंग से, अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी से, लिस्टिंग से नहीं सॉरी, अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी से, यहाँ पर कैंपेन में। तो उसमें जनाब ये करते हैं, आप जब उस पर क्लिक करेंगे, ये जहाँ नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग लिखा हुआ है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सेम इस तरह का बॉक्स ओपन होता है, जैसे आपका ये ओपन हो रहा है नीचे 11 नंबर पे। ये यहाँ हम इंटर एसेंस ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, वहाँ हम देखते हैं ना जब उसकी डेली की रिपोर्ट चेक करते हैं कैंपेन की, तो हमें पता चलता है कि अच्छा जी इस ये कीवर्ड हमें इतना दे रहा है, इस कीवर्ड पे इतना खर्चा आ रहा है, इस कीवर्ड पे इतना, ये कीवर्ड जनाब सेल्स नहीं दे रहा, ठीक है इसके इसका वैसे ही हमें खर्चा पड़ रहा है। तो उन कीवर्ड्स को हम निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं और उनको जनाब यहाँ करते हैं एंटर। जब आप नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्लिक करेंगे तो इस तरह का सेम इसी तरह का बॉक्स ओपन होगा, यहाँ आपने कीवर्ड लिखने हैं, यहाँ आपने ऐड करना है, वो इधर ऐड हो जाएंगे नेगेटिव बॉक्स में आपके, मतलब वो आपकी इससे कैंपेन से जो है ना वो निकल गए, नेगेटिव हो गए। फिर आप लॉन्च का बटन क्लिक करेंगे, वो जो नेगेटिव बॉक्स में डाले उन पर कैंपेन नहीं चलेगी, बाकी जो हमारे पहले ऑलरेडी खड़े हैं उन पर हमारी कैंपेन चलती रहेगी। और ये लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन होता है, अगर आपने नेगेटिव कोई करने हैं तो क्लिक करेंगे, ऐसा बॉक्स ओपन होगा जैसे ऊपर मैंने दिखाया, उसमें आप कीवर्ड लिखेंगे, अपने लिखने के बाद जनाब कीवर्ड को आप करेंगे ऐड, नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे नेगेटिव में, और उसके बाद आप कैंपेन लॉन्च कैंपेन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो कीवर्ड्स थे जो आपको आपके ऊपर बर्डन थे, आपकी जेब पर बर्डन थे, तो वो लॉन्च कैंपेन हो गए, नेगेटिव हो गए, तो नए सिरे से कैंपेन लॉन्च हो गई और उनमें से उस जमात में उस कीवर्ड्स की जमात में से वो निकल गए हैं। डन हो गया यहाँ तक? जी सर, मींस वो कीवर्ड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। जी जी सर। जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, वो ब्लॉक हो जाएंगे, निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे हमारी बिडिंग से, जैसे भी कहें। अच्छा ये है जी, ऐड भी हो सकते हैं जनाब, ऐड भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है ऐड टारगेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इस पर जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास आता है, ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग में होते हैं, ये जो मैच टाइप है ना इसमें होता है, क्लोज मैच होता है ये, जब हम ऑटो पे चलाते हैं उसमें ये मैच टाइप आती है, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स, ठीक है ये आती है उसमें। लेकिन इसको अक्सर हम नहीं छेड़ते, हम बस ऑटो कैंपेन करके लॉन्च कर देते हैं, टारगेटिंग ग्रुप्स नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। अच्छा, इसके बाद जनाब हम करते हैं, अगर हम देखें इसमें, इसको हम पढ़ लेते हैं चलो कि होता क्या है। क्लोज मैच, उसकी बिडिंग भी आगे दी हुई है कि बिडिंग जनाब इस पे कितनी कर रहे हैं। क्लोज मैच क्या होता है कि नीचे वो लिख रहा है कि हु यूज बॉयर या शॉपिंग क्यूरीज क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, कि जो शॉपिंग सर्च क्यूरी होती है हमारे बायर की, उस सर्च क्यूरी और हमारी जो कीवर्ड्स होते हैं उनका एक क्लोजली रिलेशन होता है, एक क्लोज मैच होता है, करीब करीब होते हैं। जब करीब करीब होते हैं और क्लोज मैच हमारा ऑन होता है तो वो शो हो जाते हैं। अच्छा, लूज मैच क्या होता है? लूज मैच ये होता है
जब आपका लूज मैच होगा तो ये लूजली काम करेगा, मतलब एक हमारे पास हमारी प्रोडक्ट है जनाब बेबी टॉवल, ठीक है, हमने लूज मैच ऑन, अच्छा इधर लूज मैच है उधर आपकी मैनुअल टारगेटिंग में, मैनुअल कैंपेन या मैनुअल टारगेटिंग में आपका ब्रॉड का वर्ड यूज होता है, मतलब वर्क ब्रॉडली। अच्छा इसमें लूज मैच में ये होता है हमारी प्रोडक्ट है जनाब बेबी टॉवल, ठीक हो गया, और लूज मैच हमने ऑन करके रखा हुआ है तो वो लूजली वर्क करेगा। किसी ने सर्च किया टॉवल ड्रायर, ठीक है, किसी ने सर्च किया टॉवल हैंगर, किसी ने सर्च किया टॉवल प्रेसर, ठीक हो गया, तो जो कुछ भी टॉवल बॉक्स या कुछ भी किसी ने सर्च किया जिसमें टॉवल का वर्ड आया लेकिन हमारा जो था बेबी टॉवल था, तो वो जनाब ये शो करा देगा और हमें कॉस्ट पड़ती रहेगी और जेब पर भारी पड़ेगा लूज मैच। तो जो क्लोज मैच है वो बेस्ट रहेगा, इनको करते नहीं होते ऑन, मतलब वो ऑटोमेटिकली ही हमारे पास जो रिपोर्ट जब हम लेते हैं ये सारे अगर ऑफ हों तो वो उन पर खुद ही उसका एल्गोरिदम अमेज़ॉन का काम करता है और वो वर्ड्स निकाल के हमें दे देता है कि किस पर कितना हमें फ़ायदा हो रहा है और कौन सा जो है निकम्मा कीवर्ड बैठा है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा और जेब पे भारी है, उसको तो जैसे निकालना है वो आप लोगों को बेहतर पता है। अच्छा आगे हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स, अगर इसको आप ऑन करते हैं तो इसमें ये होता है कि ये मुतबादल के तौर पर आपको पेश करता है, जैसे एक ने वुडन बॉक्स, हमारी प्रोडक्ट है वुडन बॉक्स, हमारा कीवर्ड है वुडन बॉक्स, एक बंदे ने स्टील बॉक्स कर दिया है सर्च क्यूरी में लिखा है तो ये उसको शो करवा देगा, ठीक है। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्स, कम्प्लीमेंट्स में ये होता है ये अगर कम्प्लीमेंट हमने ऑन रखा है तो ये तकमीली पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप ऐसे कह लें कि ये उसकी कि जैसे हमारी प्रोडक्ट है फर्ज करें गेमिंग माउस है या माउस है तो हमने कम्प्लीमेंट ऑन रखा और जो आपका कीवर्ड की स्पॉन्सरशिप चल रही है कीवर्ड अपना कीवर्ड का कहता हूँ कीबोर्ड सॉरी कीबोर्ड जो चल रहा है कीबोर्ड जहाँ पे स्पॉन्सरशिप उसकी चल रही है या कीबोर्ड के साथ हमारे ऐड भी शो करवाना शुरू कर देगा। कम्प्लीमेंट्स हैं ये उसके पार्ट हैं, उसके तकमीली पार्ट है ये हमारा जो माउस है उस सिस्टम का उस सेटअप का, यानी कीबोर्ड जिसको चाहिए उसको आखिर माउस भी तो चाहिए होता है ना, तो जब कम्प्लीमेंट ऑन होता है तो ये हमारा जो है जो जिसकी सर्च क्यूरी कीबोर्ड होगी तो उसको भी हमारा माउस शो होगा क्योंकि हमने कम्प्लीमेंट ऑन रखा हुआ है। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। अब क्या इरादा है आगे मैनुअल पढ़ें या आज ही इतनी काफी है? सर जी काफी है इतनी। हाँ क्योंकि मैनुअल फिर मिक्स हो जाएगा। अच्छा ये इसमें होता है अब इसको ऐसे कर लें कि इसमें जनाब ऑटोमेटिक टारगेटिंग की जो मैच टाइप है ये मैच टाइप अक्सर मिक्स कर जाते हैं बंदे, लेकिन ऑटोमेटिक टारगेटिंग में मैच टाइप के चक्कर में नहीं पड़ते हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन छोड़ते हैं, उसकी मर्जी पे छोड़ते हैं, रजा पे छोड़ते हैं अमेज़ॉन के एल्गोरिदम की, और वो जब कीवर्ड्स निकालता है हम डेली रिपोर्ट चेक करते हैं, चलो पहला दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन भी छोड़ दिया, तीसरा दिन हम पकड़ लेते हैं जनाब ये कीवर्ड निकालो ये निकालो ये निकालो इसको फेंको नेगेटिव करो, ठीक है उसको नेगेटिव कर दिया इस तरह, हाँ जी ठीक है जी, चौथे पाँचवें छठे सातवें दिन हमें पता चलना लग स्टार्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि ये कीवर्ड अच्छा जा रहा है ये अच्छा जा रहा है ये अच्छा जा रहा है ईटीसी। अच्छा सबसे पहले तो ये होता है, अच्छा ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जो मैच टाइप हैं या टारगेटिंग ग्रुप्स हैं ये इसमें टारगेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसमें मैच टाइप होती है, तो इसमें टारगेटिंग ग्रुप्स में क्लोज मैच है, ठीक है, ACL SC आप इसको कर सकते हैं, ACL मतलब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ACL क्लोज मैच लूज मैच ये डबल डबल आप इसको कर लें ना, मतलब कपल बना लें एक क्लोज मैच का लूज मैच का और सब्स्टिट्यूट का और आपका कम्प्लीमेंट का, ठीक हो गया ये चीज़ है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। बिडिंग को हम अच्छी तरह देख के आए हैं जो उसको अख्तियार देना है डाउन का अप एंड डाउन का और बाकी सारी चीज़ें
इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन जब बंदा इसको प्रैक्टिकली करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि हमने कैसे जाना है। और सबसे पहले तरीकाकार क्या होता है, यही होता है आप ऑटोमेटिक पे छोड़ते हैं, उसकी रजा पे छोड़ के उससे कीवर्ड्स निकलते हैं जो हमें तीसरे दिन चौथे दिन पता चलता है, उनको नेगेटिव कर दिया, बाकी जो अच्छे निकले उनको पकड़ लिया, फिर उसको जनाब हमने ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक को छोड़ दिया, फिर हम उन कीवर्ड को ऑटोमेटिक की मतलब टारगेटिंग से निकाल के कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं कि ये कीवर्ड अच्छे अच्छे चल रहे हैं जनाब, हमारी जो लिस्टिंग में है इनको चला रहा था अमेजोन, अब हम खुद चलाएंगे जी। फिर हम मैनुअल में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मैनुअल का, और उसमें उसकी जो मैच टाइप है वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। ब्रॉड होती है, ये साइट कौन सी है, यस, ये लिंक कौन सा है, ये साइट कौन सी है, कहाँ पे हमें करना होगा सर? समझ नहीं आ रही कौन कहाँ पे है सर, ये जो कुछ हमें करना है जी सर, ये जो पीपीसी चलानी है, क्या पूछ रहे हैं जनाब? जी जी, पीपीसी कहाँ चला, किस लिंक पे चलानी वो जनाब? वो ऐसे होता है, आपका जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है ना जी, जी आपने वहीं से बैठ के, जैसे आप, मैं सबसे पहले मतलब फेसबुक की ही वो बताता हूँ आपको, वो करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जो भी बंदा आता है अमेजोन पे, जैसे हम लिस्टिंग कोई पोस्ट लगाते हैं, वहाँ पोस्टिंग करना होता है, इसमें लिस्टिंग करनी होती है, समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है, ठीक है। एक हमने एक पिक्चर लगाई, उसके साथ जनाब लिख दिया फलां इवेंट ये है जनाब, बिग बॉस के साथ या छोटे बॉस के साथ या जिसके साथ भी है हमारा, जो भी कोई इवेंट प्रोग्राम था, ठीक है, वो जो पोस्टिंग है वो उसकी इमेजेस हैं, ठीक है, इमेजेस जैसे हम वहाँ लगाते हैं, पोस्ट करते हैं लिंक, यहाँ पोस्टिंग होती है, ठीक है, वहाँ इमेज लगाते हैं, उसके बाद जनाब वहाँ उसमें सर्च टर्म्स ETC डिटेल बुलेट्स डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ ऊपर सादा सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जी, फलां बंदे के साथ ग्रुप फोटो जी, इतने अरसा बाद मुलाकात या ये या वो, जो कुछ भी होता है, ठीक हो गया जी, सेम जी, यही जी. सिस्टम होता है। जैसे आप अपना फेसबुक से बैठकर चीजें पोस्ट करते हैं, उनकी डिटेल लिखते हैं, इसी तरह आपने यहाँ, जैसे आपका अकाउंट होता है फेसबुक पर, इसी तरह आपका अकाउंट होता है यहाँ सेलर सेंट्रल, जिसको बोलते हैं SC बोलते हैं, ठीक है, सेलर सेंट्रल अकाउंट से बैठकर आपने चीजें लिखनी, पोस्ट करनी है, लिस्ट करनी है, वहां पोस्टिंग थी, यहाँ लिस्टिंग हो गई, आपने लिस्ट कर दी, ठीक है। वहां क्या था जनाब, फेसबुक पर था, आपने शेयर की एक चीज, ठीक है, शेयर का बटन किया, फिर आपने जनाब दो चार दोस्तों को इनबॉक्स भी कर दिया कि यार ये पोस्ट मैंने शेयर किया अभी, तो जरा इसको तो शेयर कर दो, ठीक है, वहां पर आप शेयरिंग कर रहे हैं, वहां आप कैंपेन चला रहे हैं, इस तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपकी पोस्ट है या आपका जो कुछ भी है या आपकी कोई भी मतलब प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं, आप उसकी चला रहे हैं, तो इस तरह शेयर कर रहे हैं, वहाँ शेयर का बटन है, यहाँ आपकी एडवर्टाइजिंग है। इसी तरह आपने, जैसे वहाँ आपने अकाउंट में जाते हैं फेसबुक पे, यहाँ आपने अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट में आना है, और ये आपके सामने ये अकाउंट ओपन है सारा, ये सारा अकाउंट है, और ये देखें ये आपका अब मेन डैशबोर्ड ऑफ सेलर सेंट्रल अकाउंट, समझ आ रही है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये मेन डैशबोर्ड है, इसकी जो पहले नीचे एक कॉलम है, आपको मैं बताऊं जनाब कि ये है कैटलॉग का, फिर इन्वेंट्री का है, फिर ऑर्डर्स का है, इसी तरह फिर ये एडवर्टाइजिंग का है, आपका ये चौथा टैब है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आप एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करेंगे, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, आप ऐसे समझें कि आप इसको इसी के अंदर देख रहे हैं, मतलब आम पेज पेज पर भी पड़ी थी, क्या कहते हैं PPC, वहाँ से पढ़ाते तो अंधेरे का हाथ होता है, यहाँ हर स्टेप के ऊपर, और फिर उसको मैंने हाईलाइट किया, ये 5 दिन मेरे लगे हैं इस पर, ये चीज़ों को निकालना, एक 3 मिनट की मतलब वो थी एक वीडियो ना, उस पर मुझे कोई 6 घंटे लगे उससे चीज़ें निकालने और उसको एडिट करने में, अच्छा ठीक है, और समझने में, हाँ जी, और इस पर अब देखें एडवर्टाइजिंग पर आपने क्लिक किया नंबर 1 पे, ठीक है, पेज नंबर 1 पे आपने एडवर्टाइजिंग पर क्लिक किया, पेज नंबर 2 पे आपके पास आगे जनाब स्टेप 2 मतलब जो उसका इंटरफेस बदला, क्या बदला, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ, उसमें कैंपेन मैनेजर ये लिखा हुआ है, अगर वैसे ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता, इनको हाईलाइट ना करता, तो फिर भी समझ नहीं थी आनी, सही सही सही, अब क्लियर हो गया बिल्कुल, ये कैंपेन मैनेजर आप लोगों ने कर दिया, इसके बाद वो ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन करेंगे और फिर आपके पास ये इंटरफेस आएगा,
यहाँ इंटरफेस में ये जो बोल्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मेरी लिखी हुई हैं, ये मेरी एडिटिंग है, ये यानी कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ये ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है, ये विद आउट ब्रांड रजिस्ट्री होता है, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, ये विद ब्रांड रजिस्ट्री होता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड ये भी विद ब्रांड रजिस्ट्री होता है। अच्छा जी, देन यहाँ आप कंटिन्यू करते हैं इस पर, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पर, ठीक है। कंटिन्यू का बटन क्लिक किया, देन यहाँ आपने कैंपेन नेम लिखा, डेली बजट लिखा, डेट लिखी, टारगेटिंग लिखी, ऑटो टारगेटिंग थी, हमने ऑटो पढ़ी आज, फिर आपने आगे स्ट्रेटजीज लिखी, उसकी बजट डायनेमिक बिड ऑन डाउन ओनली अप एंड डाउन फिक्स, ठीक है, जो लिखा आपने लिखने के बाद, उसके बाद आप जनाब यहाँ आके एड ग्रुप नेम किया, इंटर लिस्ट किया आपने, आपकी जो प्रोडक्ट्स थी उसके एसएन वगैरह एसकेयू दिए आपने, यहाँ ऐड का बटन ये बना हुआ है जहाँ ये एरो जा रहा है, एडिट किया आपने, वो आगे आ गई आपकी प्रोडक्ट, यहाँ ऐड हो गई राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होती है वो खाम माल होती है, जब उसको ऐड करते हैं वो यहाँ ऐड हो जाती है, उसके बाद जनाब एडिट आपकी प्रोडक्ट एडिट हो गई, ठीक है। इंटर लिस्ट से अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो वो यहाँ से आप इंटर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिस्ट डालेंगे अपने एसेंस वगैरह की या एसकेयू ईटीसी की, तो ऐड करेंगे ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपका 12 नंबर ये आ गया। अच्छा ऐड हो गया, सेट डिफ़ॉल्ट बिड, बिड जनाब वो कह रहा है कि 0.70 है या $7 की है, जितनी भी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बिड है, नीचे वो उसकी रेंज बता रहा है, रेंज को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि 0.5 से 1.2 है, तो अगर आप इसमें से कुछ भी रखना चाहते हैं, अगर इससे हाई रखेंगे मतलब 1.3 रख देते हैं तो वो 1.3 चार्ज नहीं करेगा, 1.2 है, 1.25 कर सकता है, 3 कर सकता है, 7 कर सकता है ETC, और मार्केट रेट जो होता है वो वही होता है कि जो रेट वो चार्ज कर रहा होता है हमसे वो मार्केट रेट होता है, और रात को कम हो जाता है जहाँ भी कहीं मार्केट में रश कम होता है जिस वक्त, तो वो मार्केट रेट भी डाउन हो जाता है, और जब रश बढ़ता है तो मार्केट रेट भी अप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे ये ब्लू वाले पर, तो हमारे पास इस तरह का एक ओपन होगा इंटरफेस लाइक इस तरह का, ठीक है, और यहाँ हम वो कीवर्ड डालेंगे जो हमें तंग कर रहे हैं, हमारी जेब पे भारी हैं, उनको डाल के हम ऐड करेंगे, वो यहाँ ऐड हो जाएंगे नेगेटिव एरिया में, और फिर कैंपेन लॉन्च करेंगे, तो जनाब ये जैसे लॉन्च कैंपेन को दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, और इतनी सी बात है। और इसके बाद हमारा था ये क्लोज मैच, लूज मैच और सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट, ये पढ़े हमने, और इसमें ये कैसे काम करते हैं वो भी आपको पता है, और बल्कि इसको हम देख लेते हैं। ये ऊपर कह रहा है जनाब क्लोज मैच, ठीक है, क्लोज मैच क्या होता है कि इफ़ वी विल शो योर एड, नज़र आ रहा है सबको? जी आ रहा सर, जी सर नज़र आ जी सर जी, आ रहा है जी, क्लोज मैच वो कह रहा है कि वी विल शो योर एड टू shoppers or buyer who use search terms closely related to your products. If your product is Doppler 400 count cotton sheets, ठीक है, तो we show an ad when buyer use search term like cotton sheets and 400 count sheets etc. मतलब इस टाइप का क्लोजली उसका रिलेशन अगर उसको उसके एल्गोरिदम को लगेगा अमेजोन के, तो वो हमारी प्रोडक्ट को शो करवा देगा, और हमें क्लिक मुकद्दर में हुआ तो पड़ जाएगा, ठीक हो गया। लूज मैच, वी विल शो योर एड्स टू शॉपर और बायर हु यूज सर्च टर्म्स लूजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट इफ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स वी विल शो एन एड व्हेन शॉपर बायर use such term like bed sheets, ठीक हो गया, bath sheets and bath towel etc. कुछ भी हुआ, मतलब ये यहाँ ब्रॉडली काम कर रहा है, वही बात है कि बेबी टॉवल हमारी प्रोडक्ट है, और कोई लिखेगा टॉवल ड्रायर, टॉवल प्रेसर, टॉवल हैंगर, तो हमारी प्रोडक्ट पहले खड़ी होगी, क्योंकि हमने लूजली उसको मैच को क्लिक किया है, एक्टिव किया है, और इस पर हमें खर्च पड़ेगा और फायदा कोई नहीं है। अच्छा नेक्स्ट वन है जनाब सब्स्टिट्यूट्स, वी विल शो योर एड टू बायर हु यूज डिटेल पेज ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर टू योर्स, ठीक है, वो कहता है कि
जो भी बायर कोई डिटेल पेज ओपन करेगा किसी प्रोडक्ट का, अगर हमारा एल्गोरिदम समझेगा कि वो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के वो डिटेल पेज पर है बायर, वो प्रोडक्ट सिमिलर टू योर प्रोडक्ट, वो आपकी प्रोडक्ट की तरह है, ठीक है, या इसकी तरह लगती है, तो वो शो करवा देगा। इफ़ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट, वी विल शो एन एड ऑन डिटेल पेजेस दैट इंक्लूड्स 300 काउंट कॉटन शीट्स, ठीक है, क्वीन 400 काउंट कॉटन 400 काउंट शीट्स, मतलब ये रिलेशन आ गया उस तरह की है, उसका 300 काउंट डाउन हो गया उसका, मतलब उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं उसके कीवर्ड हैं। अच्छा, इसके बाद है जनाब आपका कम्प्लीमेंट है, वो कहता है कि वी विल शो यूर एड टू शॉपर और बायर हु व्यू द डिटेल पेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कम्प्लीमेंट यूर प्रोडक्ट, जो कि आपका आपकी प्रोडक्ट का मतलब पार्ट है, तकमीली पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है, एक ग्रुप का हिस्सा है, तो उन प्रोडक्ट्स के साथ आपकी प्रोडक्ट को शो करा देगा। इफ़ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट, ठीक है, अगर हमारी कॉटन शीट है प्रोडक्ट, तो कहता है कि वी विल शो एन एड ऑन डिटेल पेज दैट इंक्लूड क्वीन कंफर्टर एंड फीदर पिलो, मतलब वो कह रहा है कि अगर आपकी या हमारी, जैसे वो कहता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट है कॉटन शीट, और कॉटन शीट को वो कहाँ शो करवाएगा, पिल्लो के साथ भी, अगर किसी ने सर्च टर्म में सर्च क्यूरी किसी बायर की है पिल्लो, तो वो पिल्लो का कॉटन जो बेड शीट होती है वो भी हिस्सा है, पिल्लो का भी तो हिस्सा है ना, ठीक है, पिल्लो का कम्प्लीमेंट है, जैसे मैंने कहा था, या पिल्लो बेड शीट का कम्प्लीमेंट है, जैसे की बोर्ड और माउस का रिलेशन है, इसी तरह आपके पिल्लो और बेड शीट का भी रिलेशन है, तो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, तो कम्प्लीमेंट ऑन होगा, तो वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्स के साथ भी हमारे एड्स शो होंगे। मतलब एक बंदा आया, उसने तकिए लेने थे, ठीक है, या वो बात कर रहे हैं कीबोर्ड सर्च कर रहा था, तो उसका माउस भी ख़राब था, तो उसमें हमने ये कम्प्लीमेंट ऑन रखा हुआ था, तो उसकी बोर्ड के साथ जो वो सर्च किया उसने और डिटेल पेज पे देख रहा था, उसके साथ हमारा माउस भी नीचे जनाब धकेल दिया अमेज़ॉन ने, अमेज़ॉन के एल्गोरिदम ने, तो उसने जनाब क्लिक किया, उसको लगा ठीक है जनाब ये अच्छा ये भी लेना चाहिए, तो वहाँ से हमें कन्वर्जन मिलती है, हमारे क्लिक सेल में कन्वर्ट होते हैं, और ये कम्प्लीमेंट्स का रोल होता है कि वो आया था कीबोर्ड लेने और सर्च करने, और हमारा माउस उसको अच्छा लगा, हमने ज़रा प्राइस डाउन रखी हुई थी, और उसका माउस भी टूटा फूटा पड़ा था, तो उसने कहा ठीक है यार ये भी लेते जाते हैं। हाँ जी, कुछ समझ आई है कि नहीं, अब जरा आप बोलें और मैं चुप हूँ। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। जी सर, आ गई सर। और ये जितने भी मतलब ये हैं, ये नोट्स नहीं हैं, ये आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ये जितने भी आपके स्क्रीनशॉट्स लेकर उनको एडिट किया गया है, ये आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ठीक हो गया? ठीक है सर, प्लीज इसे शेयर जी सर, इन स्क्रीनशॉट की वजह से सर समझने में भी बहुत आसानी हुई है ना, इजी टू शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये शेयर हो जाएगा, और इसको एक मतलब कंप्लीट कर लेना, फिर शेयर कर दूंगा सारा, नो टेंशन। ठीक है सर, ठीक हो गया ना। और मैं कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी आप भी, और एक बात मैंने की थी कि आप लोगों ने वो भी करनी है, क्या कहते हैं, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी देनी है, दो दो तीन तीन चार चार बंदों ने मिलके, और उसमें ये करेंगे कि हम प्रेजेंटेशन रख लेंगे ओवरऑल। अब कीवर्ड की अब समझ आ रही है, जो बात मैंने पहले की थी कि हम जब नेक्स्ट राउंड लगाएंगे, ओवरऑल हमारा राउंड वो होगा कीवर्ड्स पर ही होगा, हम लिस्टिंग से कीवर्ड्स उठाएंगे और एंड मतलब सेल तक जाएंगे। अब कुछ समझ आई है कि कीवर्ड की गेम क्या होती है या क्यों निकालना है? जी सर, मेन चीज भाई बस यही बात है। तो कीवर्ड ऐसे समझ लें जैसे आपकी वायरिंग के बटन और स्विचेस होते हैं ना, तो इसी तरह ये आपकी सेल के बटन और स्विचेस होते हैं, आपको सेल इन्हीं से मिलनी होती है।
ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल इसको हम देखते हैं आगे, मैनुअल वन को, मैनुअल टारगेटिंग को पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आज तक के लिए इतना ही, और इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ सर। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी।